हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं लेकर आ गया हूँ एक न्यू एनीमे। अगर आप लोगों ने इस एनीमे का एक एपिसोड देख लिया तो आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड ना देखकर रह नहीं पाओगे। तो बिना और देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि खाना बना रहा होता है, और इस लड़के का नाम है हिकारी। और इसके फैमिली में इसके पापा और एक बड़ी दीदी है जो कि खाना खाने के लिए वेट कर रहे होते हैं और हिकारी को जल्दबाजी करने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद हिकारी बहुत ही जल्दी से खाना लेकर आता है और फिर वो बहुत ही जल्दबाजी से खाना भी खा लेता है, और फिर वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बहुत ही जल्दबाजी से क्लास के लिए भी निकल जाता है। फिर वो जैसे ही बाहर आता है तो हमें पता चलता है कि उसका जो घर है वो तो पानी के अंदर है, और वो पानी के अंदर रहता है और वहाँ के आसमान में पंछियों की जगह मछलियाँ तैर रही होती है। कुछ देर बाद वो भागते हुए उनके दोस्तों के पास भी पहुँच जाता है, और वहाँ पर एक लड़की और एक लड़का और एक लड़की होती है, और इस वाली लड़की का नाम है मनाका जो कि कोई और यूनिफॉर्म पहन कर आती है, जो देख कर हिकारी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर वो मनाका के ऊपर गुस्सा करने लगता है और बोलता है, हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम सभी एक ही यूनिफॉर्म पहन कर जाएंगे। तभी और एक लड़की आकर उन दोनों के लड़ाई को रोक देती है, और इस वाले लड़की का नाम है चिसाकी। वहीं पर मनाका घर पर जाने लगती है और बोलती है, मैं अपना यूनिफॉर्म चेंज करके आती हूँ। और उसके जाने के बाद तो हिकारी अपने दोस्तों के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। फिर कुछ देर बाद जब मनाका अपना यूनिफॉर्म चेंज करके वहाँ पर आती है तो वहाँ पर वो अपने दोस्तों को ना देख कर रोने लग जाती है, लेकिन अचानक से पीछे से एक जाल आकर उसको पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हिकारी और बाकी सब तो पानी से बाहर आकर सरफेस एरिया में आ जाते है, और फिर हिकारी बोलने लगता है, मैं यहाँ पर मनाका के लिए कुछ देर वेट करता हूँ। लेकिन तभी वो नोटिस कर पाता है कि कुछ फिशरमैन तो मछलियों को पकड़ रहे होते हैं, और फिर ओम फिशरमैन जैसे ही मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को उठाता है तो उस जाल के अंदर तो मनाका होती है और वहाँ पर एक लड़का भी होता है, और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत देर तक घूर जा रहे होते हैं, और ये हिकारी और बाकी सब भी देख लेते हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। देन अगले सीन में हम उन लोगों को उनके क्लास में देख पाते हैं, जहाँ पर की टीचर उन सभी को बाकी क्लास के बच्चों से इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, जिसके बाद वो सभी अपने आप को एक एक करके इंट्रोड्यूस करने लगता है। लेकिन तभी क्लास के कुछ बच्चे उन लोगों को चिढ़ाने लगते है और बोलते है, पानी के अंदर रहने वाले बच्चों में से तो मछलियों की बदबू आ रहा है। जो सुनकर तो हिकारी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, और सरफेस एरिया में रहने वाले बच्चों में से तो सुअर की बदबू आ रहा है। और हिकारी की ये हरकतें देखकर तो मनाका तो उसको रोकने लग जाती है, लेकिन जो हिकारी है वो तो मनाका के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाता है, जिस वजह से मनाका बोलती है, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो हिकारी, मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करने वाली। इसके बाद मनाका और चिसाकी गर्ल्स चेंजिंग रूम में चेंज कर रहे होते है। तभी मनाका बोलती है, मुझे हिकारी से माफी मांग लेना चाहिए, है ना। चिसाकी बोलती है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस हिकारी जब तुमसे माफी मांगने आए तब तुम उसे माफ कर देना। तभी वो दोनों बाहर देखते हैं, जहाँ पर तो लड़कों का रेस चल रहा होता है, और उस रेस में वो फिशरमैन लड़का काफी ज्यादा तेज चल रहा होता है, और ये देखकर तो मनाका इम्प्रेस्ड हो जाती है। लेकिन तभी उन लड़कों में से हिकारी बहुत ही तेज दौड़ लगाता है और वो अपने बोलता है, मैं इन सरफेस पीपल से नहीं हार सकता, और ये बोलने के बाद वो बहुत ही तेज दौड़ता है, और फिर वो फिशरमैन लड़के के पास भी पहुंच जाता है और फिर उसको धक्का देता है, जिस वजह से वो दोनों ही एक साथ गिर जाते हैं। अब अगले ही पल उनका स्कूल खत्म हो जाता है और हिकारी घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसकी दीदी मतलब कि अकारी एक दुकान में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, जो कि हिकारी को देखकर उसके पास आकर उसको चिढ़ाने लग जाती है। तभी वो दोनों दो बच्चों को नोटिस कर पाते है जो कि दुकान के साइड में कुछ कर रहे होते है, और जैसे ही वो दोनों वहाँ पर जाते है तो वहाँ पर तो उन बच्चों ने च्युइंग गम से कुछ लिख रखा होता है, लेकिन उनके आने से पहले वो दो बच्चे वहाँ से भाग जाते है। फिर अगले सीन में जो हिकारी है वो पानी के अंदर अपने शहर में आ जाता है, लेकिन तभी हिकारी को कुछ लोग बुलाते हैं और फिर हिकारी को बोलते हैं, हम लोगों ने सुना है कि आज मनाका को कुछ फिशरमैन ने पकड़ लिया था, ये सरफेस एरिया के लोग तो हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इन लोगों के वजह से हम लोगों को सांस लेने भी दिक्कत होती है क्योंकि जो समुद्र का पानी है उसमें सॉल्ट का परिमाण कम होता जा रहा है, और हमने सुना है कि वो लोग ऑफेंसिव की भी नहीं करेंगे। जो सुनकर हिकारी बोलता है, आखिरकार ये ऑफेंसिव की क्या है। फिर वो अपने मन में बोलता है, इन लोगों को क्या लगता है कि आखिरकार मछलियों को किसने बनाया है, क्योंकि जो सी गॉड है उन्होंने हम लोगों को परमिशन दिया था कि हम सी के अंदर रह पाए, लेकिन पानी के अंदर से कुछ लोग सरफेस एरिया में चले गए और फिर वो सरफेस एरिया में रहने लगे। फिर उन लोगों को लगने लगा कि समुद्र के भगवान तो उनसे गुस्सा हो जाएंगे, इस वजह से वो लोग हर साल समुद्र के भगवान को एक लड़की चढ़ाते है, और यही से ही शुरुआत हुआ ऑफेंस चुकी की। लेकिन अभी सरफेस के लोग और लड़कियों को सैक्रिफाइस नहीं देते, उसके बदले वो लोग अभी चावल और मिठाई देते है, लेकिन समुद्र के अंदर और समुद्र के भगवान नहीं रहते बल्कि हम लोग रहते है जो की समुद्र के भगवान के बच्चे है। इसके बाद हम उन लोगों को फिर से देख पाते है जो की अभी भी गुस्सा कर रहे होते है, लेकिन हिकारी तो उनका बकबक सुनकर पक गया होता है। फिर वो बोलता है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और ये बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद उसको
चलते हुए रास्ते में मनाका दिखाई देती है। फिर हिकारी बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में स्टीव है, क्या तुम उरोकेसामा के पास जा रहे हो? जवाब में मनाका हाँ बोलती है। फिर हिकारी बोलता है, आज के लिए मुझे माफ कर दो। जो सुनकर तो मनाका काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ मैंने तुमको माफ कर दिया। अब अगले पल वो दोनों मिलकर उरोकेसामा के पास आ जाते हैं और फिर मनाका बोलती है, हमारा आग किसी कारण की वजह से बुझ गया है, इसलिए हमें थोड़ा आग चाहिए। जिसके बाद उरोकेसामा अपने से कुछ आग लेकर मनाका को दे देती है। असल में ये जो आग है ये एक स्पेशल तरह का आग है जो कि पानी के अंदर भी जलता है। और फिर मनाका उरोकेसामा को आग देने के लिए थैंक यू बोलती है और फिर एक स्टीव भी देती है। जिसके बाद उरोकेसामा खाने की स्मेल के बजाय मनाका को स्मेल करने लगता है और बोलता है, तुम्हारा स्मेल तो काफी ज्यादा अच्छा है लड़की। जिस वजह से तो मनाका बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो जो स्टीव था वो तो उरोकेसामा के मुँह के अंदर ही डाल देती है और फिर दौड़ करवा से भाग जाती है। उरोकेसामा बोलता है कि आखिरकार तुमने क्या किया, मैं तुमको कर दे दूंगा लड़की। फिर कुछ देर बाद हम मनाका को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ पर हिकारी भी आ जाता है और मनाका बोलती है, उरोकेसामा हमेशा बहुत ही अजीब अजीब सी बात करते हैं। हिकारी बोलता है, तुम्हें तो पता ही है वो हमेशा से ऐसा ही है। मनाका बोलती है, लेकिन उन्होंने तो बोला मुझे वो कर्ज दे देंगे और वो तो एक तरीके के भगवान जैसा ही है। हिकारी बोलता है, उरोकेसामा कोई भगवान नहीं है, वो तो बस समुद्र के भगवान का एक स्केल है। वो सिर्फ हम लोगों के ऊपर नजर रखते है कि हम लोग कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे हैं। अब अगले दिन सुबह हम हिकारी और उसके सभी दोस्तों को देख पाते हैं जो कि मनाका को बुलाने के लिए उसके घर पर जाते हैं। लेकिन उसकी मम्मी बोलती है, मनाका को क्या हुआ पता नहीं है, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही है। जो सुनकर हिकारी बोलता है, मैं मनाका के पास देख कर आता हूँ और फिर वो सीधा एक छलांग मारकर मनाका के कमरे के अंदर पहुंच जाता है और उसे देखकर तो मनाका काफी डर रही होती है और बोलती है, मेरे पास मत आना। और ठीक तभी हम देख पाते है मनाका के घुटने पर तो एक मछली का सर आ जाता है। जो देखकर हिकारी बोलता है, तो फिर उरोकेसामा ने तुमको कर्ज दे ही दिया। जिसके बाद हिकारी उस मछली के ऊपर एक मलहम लगाने लग जाता है, लेकिन वो मछली बहुत ही अजीब सा साउंड कर रही होती है। जो देखकर हिकारी बोलता है, ये तो बिल्कुल पात का साउंड था, क्या तुमने फाट मारा? ये सुनकर तो मनाका रोने लग जाती है और बोलती है, मैंने ये नहीं किया और मैं ये किसी को नहीं दिखाने वाली। हिकारी बोलता है, लेकिन तुमने तो ये मुझे दिखा दिया। मनाका बोलती है, सिर्फ तुम ही ये देखने के लिए अलाउड हो और कोई भी नहीं। और ये सुनकर तो हिकारी थोड़ा सा शर्माने लगता है और फिर हिकारी उस मछली के ऊपर एक कपड़ा बांध देता है। देन अगले सीन में हम उन सभी को स्कूल में देख पाते हैं जहाँ पर उनका स्कूल भी खत्म हो चुका होता है और वो लोग घर जाने वाले ही होते हैं। लेकिन तभी कुछ लड़कियां मिलकर मनाका को पकड़ लेते हैं और उसके स्किन को देखने लग जाते हैं और चीजा की उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन और नहीं रोक पाती। तभी वहाँ पर ठीक वो फिशरमैन लड़का आ जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो? और उसे देखकर तो जो मनाका है वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और वो शर्म के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसका घुटना चेयर से टकरा जाता है और उसका जो मछली है वो तो फिर से फाट जैसा साउंड करने लगता है और इस वजह से मनाका का मुंह शर्म के मारे पूरी तरीके से लाल हो जाता है और फिर वो रोते हुए स्कूल से भाग जाती है। दूसरी तरफ चीसा की हिकारी और इसाके को ये बात बता देती है। वहीं पर हम मनाका को देख पाते हैं जो कि भागते हुए जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन तभी वो पेड़ से टकरा कर नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं उसके स्किन में एक लेयर लगा होता है जो कि टूटने लगता है, जिस वजह से अब उसको सांस लेने में भी दिक्कत आ रही होती है। वहीं पर हिकारी और वो तीनों तो अभी भी मनाका को ढूंढ रहे होते है और उन लोगों को भी ढूंढते हुए शाम हो जाता है, जिस वजह से उन लोगों का भी जो एना है मतलब की स्किन का लेयर वो भी टूटने लग जाता है और उन लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत आ रही होती है, जिस वजह से हिकारी फिर से समुद्र के पानी में डुबकी लगाकर फिर से मनाका को ढूंढने लग जाता है। इस वजह से उसका जो एना है वो फिर से रिकवर हो जाता है। वहीं पर चीसा की और ईसा की बीवी समुद्र के पानी के अंदर पहुंच जाते हैं और अपने एना को रिकवर कर लेते हैं, जिस वजह से वो लोग अब अच्छी तरीके से सांस भी ले पा रहे होते हैं। तभी ईसा की बोलती है, चीसा की तुम्हें और हिकारी को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों मैरिड हो और तुम्हारी बच्ची मनाका है। मैं ये बात तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर मनाका डिसअपीयर हो जाए तो हिकारी के साथ हमेशा तुम रह पाओगी। जो सुनकर तो चीसा की ईसा के ऊपर गुस्सा करने लगती है और बोलती है, ऐसा बात और कभी भी मत करना क्योंकि मैं मनाका को काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। दूसरी तरफ हम मनाका को देख पाते हैं जो कि पूरी तरीके से बेहोश हो गई होती है, लेकिन ठीक तभी वहाँ पर वो फिशरमैन लड़का आ जाता है और वो उसको ढूंढ लेता है। जिसके बाद वो मनाका को लेकर अपने घर पर लेकर आता है और उसका दादा बोलता है, तो तुम उसको उठाकर लेकर आए हो, इसको बाथटब के अंदर रखो और उसमें काफी सारा सॉल्ट भी डाल दो। फिर वो लड़का बाथटब के अंदर उसको रख देता है और काफी सारा सॉल्ट भी दे देता है। जिसके बाद हम देख पाते है मनाका को जो लेयर था मतलब की एना वो भी धीरे धीरे रिपेयर होने लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस कर पाता है कि मनाका के घुटने में जो कपड़ा बांधा हुआ था उसके अंदर कुछ है। फिर वो उसको खोल देता है और उसमें तो एक मछली होता है।
और उसी वक्त मानाका को भी होश आ जाता है। लेकिन तभी वो अपने सामने लड़के को देखकर अपने घुटने पे मछली को देखकर काफी ज्यादा एम्बेरेस फील कर रही होती है और बोलती है कि इसे मत देखो, इसे मत देखो। लेकिन वो लड़का तो वहां से चला गया होता है, जो देखकर तो मानाका को थोड़ा सा राहत मिलती है। लेकिन तभी वो लड़का कुछ खाना लेकर आता है और उस मछली को खिलाने लग जाता है, जिस वजह से तो मानाका और भी ज्यादा शर्मा रही होती है। लेकिन तभी वो लड़का बोलता है, मुझे तो ये मछली काफी ज्यादा पसंद आया, जो सुनकर मानाका को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और वो ब्लश भी करने लगती है। और फिर वो मानाका को छूकर बोलता है, तुम लोगों के पास एना है, जिस वजह से तुम लोग समुद्र के अंदर रह पा रहे हो और सांस ले पा रहे हो। और मानाका तो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, जिस वजह से वो पानी के अंदर अपना मुंह ही घुसा देती है। दूसरी तरफ हम अभी भी हिकारी को देख पाते हैं, जो कि रात हो चुका होता है, लेकिन वो अभी भी मानाका को ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने मानाका दौड़ते उसके पास आ रही होती है और उसके पीछे वो लड़का भी होता है, जिसे देखकर तो हिकारी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो सीधा जाकर उस लड़के को मारने लगता है और बोलता है, आखिरकार तुमने मानाका के साथ क्या क्या किया। लेकिन तभी मानाका बीच में आकर बोलती है, सुमोगो-कुन ने मुझे तो बचाया है। हिकारी बोलता है, क्या सुमोगो-कुन? उसका नाम सुमोगो-कुन है। फिर वो मानाका को लेकर वहां से जाने लग जाता है और फिर वो दोनों ही फिर से पानी के अंदर आ जाते है। और मानाका बोलती है, हिकारी मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुमको काफी ज्यादा दिक्कत हुई। लेकिन हिकारी तो उसके बात को सुन ही नहीं रहा होता है, वो अपने मन में सोचता है, मानाका ने उस वक्त बोला कि उसके उस मछली को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, लेकिन उस लड़के के साथ तो मानाका एम्बेरिज भी नहीं हुई, आखिरकार इसका मतलब क्या है। मानाका सोकर उठती है और उसके पैर पर जो मछली थी वो मानाका को बाय बोलकर वहाँ से उड़कर चली जाती है और ये देखकर तो मानाका काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। तभी उसको याद आता है, जो सुमोगो-कुन था उसको तो ये वाली मछली काफी ज्यादा पसंद था, जो याद करने के बाद तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास और वो मछली नहीं होती। इसके वजह से वो अगले ही पल उरुको-सामा के पास पहुंच जाती है। उरुको-सामा तो उसको देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते है और बोलती है कि आखिरकार तुम किस लिए आए हो। तभी मानाका उनके ऊपर कुछ पकौड़े फेंक देती है। उरुको-सामा एक पकौड़ा पकड़ कर उसको खा लेते हैं और बोलते हैं, लगता है ये तो ग्रैनी ने नहीं बनाया है। मानाका बोलती है, हाँ क्योंकि ये मैंने बनाया है, क्योंकि अगर मैं आपके साथ रूड बिहेव करूं और खाना को वेस्ट करूं तो आप मुझे फिर से कर्ज दे देंगे, है ना। देन अगले सीन में मानाका स्कूल में आती है और वो पिछले दिन के लिए सुमोगो-कुन को थैंक यू भी बोलती है। तभी सुमोगो-कुन मानाका के घुटने के मछली के बारे में पूछता है, जवाब में मानाका उसको झूठ बोलती है और बोलती है वो तो बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ पर हकारी भी आ जाता है और वो थोड़ा सा गुस्सा होकर सुमोगो-कुन को पिछले दिन के लिए थैंक यू भी बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और हकारी के पीछे पीछे मानाका भी दौड़ कर आती है और उससे बोलती है, हकारी तुम काफी ज्यादा रूड थे, तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो हकारी है वो तो मानाका के ऊपर ही गुस्सा करने लगता है। तभी मानाका बोलती है, लेकिन सुमोगो-कुन ने मेरी जान बचाई है और बार बार सुमोगो को उसके फर्स्ट नाम से बुला रही होती है, जिस वजह से हकारी काफी ज्यादा जेलस फील करता है और मानाका के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उससे बोलता है, तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बिहेव नहीं कर रही हो। मानाका बोलती है, मैं उसका लास्ट नेम नहीं जानती और तुम हमेशा इतना ज्यादा गुस्सा क्यों करते हो, जो सुनकर हकारी वहां से चला जाता है। और फिर मानाका तो वहां पर रोने लग जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वहां पर चिसा किया जाती है और फिर मानाका को क्या हुआ है इस बारे में पूछने लगती है, जिसमें कि मानाका रोने लगती है और बोलती है, मैंने सब कुछ घर पर कर दिया, सुमोगो-कुन ने मेरे जान बचाया था और हिकारी भी मेरे लिए काफी ज्यादा परेशान था। जो सुनकर चिसा की बोलती है, हिकारी तुम्हारे लिए सच में बहुत ज्यादा परेशान था, उसका एना भी खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी उसको अपनी परवाह छोड़कर तुम्हें जी जान लगाकर ढूंढा और इसलिए वो बस थोड़ा एनॉय है, तुम्हें उसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ हम हकारी को देख पाते हैं, जो कि स्कूल के पीछे चला आता है। ठीक तभी वहाँ पर वही दो लड़की होती है, जो लड़की की पिछले दिन हकारी के स्टोर पर च्युइंग गम से कुछ लिख कर गई थी और वो दोनों तो हकारी के साथ हकारी का रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। हकारी बोलता है, तुम्हें जानकर क्या करोगी, वैसे भी वो मेरी एल्डर सिस्टर है। फिर वो दोनों ही हकारी को उल्टा सीधा बातें बोलने लग जाते हैं और उसको चिराने लगते हैं। हकारी बोलता है, तुम दोनों को तो अभी स्कूल में होना चाहिए था, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद तो एक लड़की हकारी को मारने चली जाती है, लेकिन हकारी उसको रोक लेता है और तभी पीछे से वहाँ पर इसाकी भी आ जाता है और वो इस बारे में पूछता है। और फिर वो एक लड़की को सर पर पेट करता है और बोलता है कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। जिस वजह से वो लड़की शर्मा जाती है और बोलती है, अपना मछली वाला हाथ मेरे सर से दूर हटाओ। तभी दूसरी लड़की हकारी को एक जोरदार लात मारती है और फिर वो दोनों ही वहाँ से भाग कर चले जाते हैं। इसके बाद उनका क्लास खत्म हो जाता है और तभी क्लास टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं कि कौन कौन मेरे साथ ओजोशी-सामा को बनाने के लिए मदद करेगा। तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि आखिरकार ये ओजोशी-सामा क्या है, जिसमें टीचर बताने लगते हैं, जब ऑफेंसी की फेस्टिवल का शुरुआत हुआ तब सरफेस पीपल सी गॉड को असली लड़कियां सैक्रिफाइस करके देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये रिचुअल बदलता गया
और अब असली लड़की के बजाय लकड़ी से बनाया गया एक डॉल श्री गॉड को सर्व किया जाता है और इस डॉल को ही ओजोशी समा बोला जाता है। तो आखिरकार कौन ओजोशी समा बनाने के लिए मेरी मदद करेगा? और हमें यह भी पता चलता है कि इस साल सरफेस पीपल ऑफेंचिकी नहीं मनाएंगे और स्कूल को ही ऑफेंचिकी को कंप्लीट करना पड़ेगा। और तो टीचर उनमें से ही कोई स्टूडेंट को ढूंढने लगता है और तभी सुमुगो कुन अपना हाथ उठाता है और बोलता है मैं आपकी मदद करूंगा। और सुमुगो कुन को देखकर मनाका भी अपना हाथ उठाती है और मनाका ने हाथ उठाया जिस वजह से हिकारो को भी हाथ को उठाना ही पड़ता है और फिर चिसाकी और इसाके भी अपने हाथ को उठा देते हैं। देन अगले सीन में वो सभी मिलकर वुडन डॉल को बनाने के लिए लकड़ियां काटने लगते हैं और तभी इसाकी सुमुगो से पूछता है आखिरकार तुमने ये करने के लिए हाथ क्यों उठाया। सुमुगो कुन बताता है कि मेरी फैमिली फिशरमैन है और हम लोग मछलियां पकड़कर ही अपना घर चलाते हैं, इसलिए मैं सी के लोगों को एक प्रॉपर थैंक्स बोलना चाहता हूँ। जिसके बाद सुमुगो कुन उनसे उरोको समा के बारे में भी पूछता है और बोलता है क्या उरोको समा सच में एग्जिस्ट करता है। जवाब में वो लोग हाँ बोलते है, जो सुनकर सुमुगो कुन थोड़ा सा एक्साइटेड होकर सी के अंदर और भी सारे बातों को बोलने लग जाता है। ये देखकर वो लोग तो काफी ज्यादा हैरान होते है और उससे बोलते है तुम तो हमारे बारे में काफी कुछ जानते हो। और उसकी ये सब बातें सुनकर तो मनाका इम्प्रेस्ड होकर उसकी तरफ ही देखने लग जाती है और हिकारी तो मनाका की तरफ देखने लग जाता है। वहीं पर चिसाकी तो हिकारी की तरफ देखने लग जाती है। लगता है इनके बीच में लव फोर एंगल बनने वाला है। तभी टीचर बताते हैं कि समय खत्म हो गया है, अब तुम लोगों को घर चले जाना चाहिए। और उनके जाने के बाद सुमुगो कुन सर से बोलते हैं क्या मैं यहाँ पर एक पानी का गड्ढा बना सकता हूँ। और ठीक यही पर ये सीन कट हो जाता है और अगले सीन में वो सभी घर की तरफ जा रहे होते है। लेकिन तभी वो लोग एक कार के अंदर हिकारी के बहन को देख पाते हैं और वहाँ पर आकारी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और फिर वो उस अपने बॉयफ्रेंड को किस करके पानी के अंदर चली जाती है। और ये देखकर तो हिकारी और उसके बाकी सारे दोस्त भी काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। तभी हाकारी बोलता है उसने तो इस बारे में कभी भी मुझसे बोला ही नहीं और फिर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसका दीदी एक सरफेस पीपल के साथ प्यार करती है। तभी इसाकी बोलने लगता है मुझे लगता है तो आकारी उसी के साथ ही शादी करेगी। हिकारी बोलता है अगर उसने कर भी लिया तो उसको फिर से वापस आना ही पड़ेगा। जो सुनकर इसाकी बोलता है लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हाकारी और मनाका पूछते हैं लेकिन क्यों? इसाकी बोलने लगता है अगर कोई पानी के रहने वाला व्यक्ति सरफेस पीपल के साथ मैरिज करके उसके साथ रहने लगे तो उसको विलेज से बैनिश्ड कर दिया जाएगा। ये सुनकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो दोनों ही इसाकी के ऊपर गुस्सा करने लगते है। ये देखकर इसाकी बोलता है तुम दोनों मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये तो एक रूल है, ये मैंने नहीं बनाया है। तभी इसाकी बताती है पहले भी हमारे विलेज से बहुत सारे लोग सरफेस पीपल के साथ शादी किया था और वो लोग कभी भी और हमारे विलेज में नहीं लौटे। और ये सब कुछ सुनने के बाद तो मनाका गुस्सा करने लगती है और बोलती है इसमें कोई भी गलत बात नहीं है कि जिसे तुम प्यार करते हो उसके साथ तुम रहो। तभी साइड से हिकारी बोलता है तुम्हारा मतलब तुम भी सरफेस पीपल के साथ रहना चाहती हो। ये सुनकर तो मनाका शर्माने लगती है और बोलती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। हिकारी बोलता है तुम मेरी बात कर रही हो, तुम अपने आप पर देखो कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। और फिर मनाका के ऊपर वो गुस्सा करने लगता है जिस वजह से मनाका रोने लगती है और फिर भागकर पानी के अंदर चली जाती है। ये देखकर तो चिसाकी हिकारी को समझाने लगती है लेकिन जो हिकारी है वो तो चिसाकी के ऊपर भी गुस्सा करता है जिस वजह से चिसाकी भी रोने लगती है और वो भी पानी के अंदर चली जाती है। इसके बाद हम चिसाकी को देख पाते है जो की रो रही होती है और उसके दिल को बहलाने के लिए इसाकी भी वहाँ पर आ जाता है और फिर वो दोनों एक जगह पर बैठकर बात करते है। तभी चिसाकी बोलती है क्या तुम्हें पता है मुझे कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हिकारी और मनाका के साथ एक साथ रहना चाहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं सरफेस पीपल को हेट करती हूँ, मैं बस हमेशा सी के अंदर हम सभी के साथ रहना चाहती हूँ। जवाब में इसाकी बोलता है तुम यहाँ पर रहना चाहती हो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आसान है लेकिन तुम्हें पता है मनाका वही पहली व्यक्ति होगी जो कि यहाँ से निकलने के लिए अपना पहला स्टेप देगी। और इसके बाद हम मनाका को देख पाते हैं जो कि एक नाम की लिस्ट में से सुमुगो कुन का लास्ट नेम ढूंढ रही होती है और उसको मिल भी जाता है जो कि होता है किहारा, सुमुगो किहारा। और बोलती है लगता है हिकारी कुन अब मुझसे गुस्सा नहीं होगा। दूसरी तरफ जो हिकारी होता है वो अपने बहन से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने जा ही रहा होता है लेकिन उसकी जो बहन है वो उसको इग्नोर करती है और ये देखकर हिकारी भी और कुछ नहीं बोलता। अब अगले ही पल हिकारी सो रहा होता है लेकिन वो सो ही नहीं पाता और वो मनाका और सुमुगो कुन के बारे में ही सोच रहा होता है और वो बोलता है मैं सिर्फ मनाका को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उन सभी चीजों से मनाका को प्रोटेक्ट करूंगा जो कि उसको हर्ट करेगा। मनाका वो अपने सभी चीजों को छोड़कर इस दुनिया के बाहर जाना चाहती है। और यही पर ये सीन कट हो जाता है और अगले सीन में वो सभी फिर से स्कूल के अंदर होते हैं और ओजोशी डॉल बनाने के लिए फिर से काम में लग जाते हैं।
इसके बाद चीसे की कुछ लकड़ियां जलाने के लिए आग के पास आती है और वो तभी वहाँ पर एक गड्ढा को देख पाती है और ठीक तभी वहाँ पर सुमोगो भी आ जाता है जो देखकर चीसा की इसके बारे में उससे पूछती है। सुमोगो बोलता है मैं ये पानी का गड्ढा तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि तुम लोगों को काम करते वक्त ज्यादा दिक्कतें ना हो। जो सुनकर तो चीसा की सुमोगो को उनको थैंक यू बोलती है। देन अगले सीन में मनाका उरुको समाके के पास भीख मांगने लगती है और बोलती है प्लीज मुझे कर्ज दे दो ताकि मनाका के पास फिर से घुटने में वो मछली आ जाए और उसको बार बार सुमोगो को उनसे झूठ ना बोलना पड़े। उरुको समा पूछते है लेकिन तुम मुझसे कर्ज क्यों चाहते हो। मनाका बोलती है क्योंकि झूठ बोलना बुरी बात है और मैंने आपसे झूठ बोला। लेकिन जो उरुको समा है उनको तो सब कुछ पता लग गया होता है और वो बोलते है तुम्हें हमेशा कोई ना कोई प्रोटेक्ट किया है बचपन से ही। हिकारी चीसा की और ईसा की तुम इनके बीच में ही बड़े हुए हो और ए हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करते थे लेकिन अब तुम किसी ऐसी जगह में जाना चाहते हो जहाँ पर कि ये लोग तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तभी उन लोगों को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है जो सुनकर मनाका जैसे ही बाहर आती है तो वहाँ पर तो कुछ लोग आकारी को पकड़कर उरुको समा के पास लेकर आ रहे थे और तभी वहाँ पर हिकारी भी आ जाता है और वो उन लोगों से बोलते हैं आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो। वो लोग बोलते हैं तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है तुम इससे दूर ही रहो। ठीक तभी वहाँ पर हिकारी के फादर आ जाते हैं जो कि चीफ प्रीस्ट होते हैं और वो उन लोगों से इस बारे में पूछने लगते है। जवाब में वो लोग बताने लगते है आकारी ने विलेज का रूल तोड़ा है हमारे कुछ लोगों ने आकारी को सर्विस के एक लड़के के साथ देखा है। और ये सुनकर तो आकारी के फादर काफी ज्यादा हैरान होते है यहाँ तक कि मनाका और हिकारी भी दोनों भी एकदम दंग रह जाते हैं। तभी आकारी के फादर बोलते हैं तुम लोग यहाँ से चले जाओ और इस मैटर को मुझे सुलझाने दो मैं आकारी से पर्सनली बात करता हूँ। और फिर आकारी के फादर आकारी को लेकर उरुको समा के पास लेकर जा रहे होते हैं। वहीं पर हिकारी और मनाका दोनों ही काफी ज्यादा परेशानी में होते है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।